हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल बिट्टू की रसोई में। आज हम बनाएंगे आलू लच्छा या आलू नमकीन। तो चलो बनाते हैं। आलू नमकीन बनाने के लिए हमने 4 आलू ले लिए हैं। इसको छील के अच्छी तरह धो लिया है और सेंधा नमक लिया है। ये मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। यदि आप व्रत में खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक लें, यदि व्रत में नहीं खाना चाहते हैं तो आप सादा नमक भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी ली है मैंने काली मिर्च, मूंगफली और कड़ी पत्ते। इनसे ही हम बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट नमकीन बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं। कोई भी हम एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हमने साफ पानी ले लेंगे। हमने ये एक बर्तन लिया है और इसमें साफ पानी ले लिया है। अब ये जो आलू छीलने वाला है, इसे तीन चार तरह के छेद होते हैं। ये जो मोटा वाला छेद है, इनसे हम आलू की ये चिप्स निकालेंगे। इस प्रकार हम जो ये मोटे वाले छेद हैं, इनसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मोटी मोटी ही आलू की जो चिप्स है वो निकालनी है। और पानी में निकालेंगे, नहीं तो हमारी आलू की चिप्स है वो काली पड़ जाएगी। इसमें पानी में इसको निकाल लेंगे। एक आलू की हमने इस प्रकार इसको घिस लिया है, इस तरह की निकली है हमारी। नहीं तो ज्यादा बारीक है, न ज्यादा मोटी। इस तरह की निकाल लेंगे सारे आलू की। इस प्रकार हमने सारे आलूओं को घिस लिया है। अब हम इसको 2-3 बार साफ पानी से धोएंगे। 2-3 बार हमने अच्छे से साफ पानी से इसको धो लिया है। और अब हम छलनी की सहायता से इसे पानी इसका पूरा निकाल देंगे, छान लेंगे इसको, पानी निकाल देंगे पूरा। इस प्रकार इसका पूरा पानी छान के कोई भी सूती या कॉटन कपड़ा लेके मोटा, उसमें इसको थोड़ी देर के लिए इसका पानी है वो सुखा लेंगे। पानी इसका पूरा छान लिया है। अब हम कोई भी मोटा कपड़ा ले लेंगे और उस पे डाल देंगे। और इसी कपड़े से, और भी आप कपड़ा ले सकते हैं, उसे अच्छी तरह से ऐसे इनका पानी है वो पूरा सुखा लेंगे। और पंखे में भी आप 5-10 मिनट इसको रख सकते हैं। इस प्रकार करके इनको 10-15 मिनट के लिए हम पंखे की हवा में छोड़ देंगे और फिर हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और इसमें पानी है वो पूरा सोख लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। पानी ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह इसको पोंछ लें साफ कपड़े से, ऊपर से दूसरे कॉटन के कपड़े से भी आप इसको पोंछ सकते हैं। इनको फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल है वो हमारा गर्म हो चुका है। और अब हम जो ये मूंगफली ली थी, इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप इस ऑयल में डाल के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। मूंगफली है वो अच्छी तरह सिक चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब जो ये मीठे नीम के पत्ते हैं, इसको हमने अच्छी तरह धो के सुखा लिया था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, एक मिनट में ये फ्राई होके तैयार हो जाते हैं। अब इसको भी निकाल लेंगे। अब हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे थोड़ा सा, जब तक कुकरी ना हो तब तक इसको पकाएंगे। फ्राई हो चुकी है। अब इसका कलर है ये देखो चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तेल है वो पूरा इसका निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम ये भी डाल देंगे। इसका भी कलर है वो चेंज हो चुका है, एकदम फ्राई हो चुकी है, ऐसे एकदम आवाज आ रही है। अब हम कोई भी बर्तन ले लेंगे और इसको निकाल दिया है। तेल है पूरा सोख लिया है। आप इसके लिए फोइल पेपर में भी निकाल सकते हैं ताकि पूरा तेल है वो उसमें रह जाए। ये देखो इतनी अच्छी आवाज आ रही है, एकदम पक्की हमारी जो नमकीन है आलू की, वो फटाफट बन के तैयार हो गई है। अब हम मिक्स करेंगे मूंगफली। हम मूंगफली को इसमें मिक्स कर देंगे और स्वाद के अनुसार हम इसमें डाल देंगे नमक। हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम सेंधा नमक भी डालेंगे और थोड़ी सी डाल देंगे
काली मिर्च पाउडर। अब हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। इस प्रकार बनाओगे तो हमारी जो ये नमकीन है या इसको आप बोलते हैं आलू लच्छा, तो बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और जो हमने तेल में फ्राई करके जो मीठे नीम के पत्ते निकाले थे वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम हमारी नमकीन को कर देंगे सर, तो इसमें कोई भी बर्तन ले लेंगे और इसमें निकाल लेंगे। यदि आप इन हल्की सी हल्दी डालना चाहते हैं तो वो भी गरम गरम में डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको व्रत के लिए बना रही हूँ, तो मैंने काली मिर्च और सेंधा नमक यही लिया है। और ये फटाफट बनकर है वो तैयार हो जाती है। इसको आप 1-1.5 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, कभी भी आप व्रत करते हैं तो ये खा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।